अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास लास्ट लेक्चर में हमने द आर्ट्स की रीडिंग की थी। आज के लेक्चर में हम इसका कॉपी वर्क करेंगे, यानी इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। तो कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम MCQs करेंगे। नंबर 1, डैश इज द क्राफ्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। ऑप्शन ए आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी डिजाइनिंग। वो कहते हैं डैश इज द क्राफ्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, कि कौन सी चीज़ जो है वो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग में की जाती है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है। तो वो क्या है, आर्किटेक्चर यानी फने तामीर जो है उसमें हम देखते हैं कि हमने बिल्डिंग्स का डिज़ाइन किस तरह रखना है और उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है। नंबर 2 इज हिंदू टेम्पल्स आर रिचली डैश। ऑप्शन ए ब्रॉड, बी डेकोरेटेड, ऑप्शन सी क्लीन। के हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड यानी खुले होते हैं, डेकोरेटेड सजे हुए होते हैं, या फिर क्लीन मीन्स साफ होते हैं। तो क्या होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, यानी उनके टेंपल्स बहुत ज़्यादा, मंदिर जो होते हैं वो सजे हुए होते हैं। नंबर 3 इज म्यूजिक विच इज प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड डैश म्यूजिक। ऑप्शन ए फोक, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंटल। म्यूजिक विच इज प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड डैश म्यूजिक, कि वो वाला म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं, फोक म्यूजिक कहते हैं, पॉप म्यूजिक कहते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे MCQs थे। अब हम आगे इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स की हम हेडिंग देंगे। नंबर 1, कथक डांस इज परफॉर्म्ड विद स्वॉर्ड्स, कि कथक डांस कौन सा डांस है जो हम तलवारों के साथ परफॉर्म किया जाता है। नंबर 2, डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, के डांस जो है, रक्स जो है वो आर्ट की, फन की एक किस्म है। मॉस्क आर
typically designed with domes and minarets. मॉस्क आर टिपिकली डिज़ाइन विद डोम्स एंड माइनरेट्स के मस्जिदें जो होती हैं वो ख़ास तौर पर डोम्स के होते हैं गुंबद, माइनरेट्स के होते हैं मीनार। कहते हैं मस्जिदें हैं वो ख़ास तौर पर मीनारों और गुंबद से जो है वो बनाई जाती हैं। नंबर फोर इज़ द ट्रक आर्ट इज़ टिपिकल इन पाकिस्तान, कि जो ट्रक आर्ट है वो पाकिस्तान में ख़ास है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो है वो ट्रक आर्ट किया जाता है। नंबर फिफ्थ इज एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन टिपिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन टिपिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कि हर मुल्क का अपना एक ख़ास स्टाइल होता है आर्किटेक्चर के लिए, यानी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए उनका एक ख़ास स्टाइल होता है। अब हम आगे इसके सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन इज कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ डांसेस परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान। कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ डांसेस परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान, कहते हैं क्या आप जो पाकिस्तान में डांस परफॉर्म किया जाता है उसके नाम बता सकते हैं। आंसर इज सम टाइप्स ऑफ डांसेस परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान आर सम डांस, लुडी भंगड़ा एटसेट्रा। कौन कौन से सम टाइप्स ऑफ डांसेस परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान आर कथक डांस, लुड्डी एंड भंगड़ा। के पाकिस्तान में जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं उसमें से कुछ कौन से हैं, कथक डांस हम लोगों ने पढ़ा है जो तलवारों के साथ किया जाता है, लुड्डी और भंगड़ा। क्वेश्चन नंबर टू इज राइट डाउन सम वेल नोन
names of उर्दू राइटर्स, कि उर्दू के जो राइटर्स हैं जाने पहचाने उनके नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। आंसर इज इल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, अहमद फराज, अशफाक अहमद, एंड अल्ताफ फातिमा आर बेल नोन नेम्स ऑफ उर्दू राइटर्स, ठीक है। इल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, अशफाक अहमद एंड अल्ताफ फातिमा आर वेल नोन नेम्स ऑफ उर्दू राइटर, कि ये जो हैं लोग, कुछ लोग ये उर्दू के जाने पहचाने लोग हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, अब हम इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तानी आर्ट? आंसर इज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान have created beautiful works of art, our art can be seen in paintings, mosques, architecture, and other grand buildings in rocks and wood carving, on
फैब्रिक्स, इन हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स, पोटरी एंड एन ज्वेलरी। व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तानी आर्ट? पाकिस्तानी आर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव क्रिएटेड ब्यूटिफुल वर्क्स ऑफ आर्ट। वो कहते हैं कि हज़ारों साल से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खूबसूरत काम कर रहे हैं आर्ट का। अवर आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स। और हमारा आर्ट कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? हमारी पेंटिंग्स में देखा जाता है, मॉस्क मस्जिदों में देखा जा सकता है। आर्किटेक्चर यानी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, किस तरह से हमारे बिल्डिंग्स हैं उन पर क्या डिज़ाइनिंग है उन पर देखा जा सकता है। एंड अदर ग्रैंड बिल्डिंग्स और इसी तरह की जो और बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन पर देखा जा सकता है। इन रॉक एंड वुड कार्विंग्स, पत्थरों के ऊपर और जो लकड़ियों के ऊपर नक्शा नगार बनाए जाते हैं, कार्व किया जाता है, कार्विंग की जाती है, उस पर देखा जा सकता है। ऑन फैब्रिक्स, हमारे कपड़ों पर भी देखा जाता है। इन हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों की जो बनी हुई चीज़ें उन पर देखा जाता है। कारपेट्स पे, कालीन पे, पोटरी जो हमारे बर्तन वगैरह हैं उस पर देखा जाता है। एंड इन ज्वेलरी और हमारे जो जेवरात हैं उनके ऊपर भी हमारा आर्ट जो है वो देखा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हेन एंड वेयर आर डांसेस परफॉर्म्ड। आंसर इज डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट एज वेल एज अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ डांस डांसेस आर परफॉर्म्ड बिकॉज पीपल वॉन्ट टू शो देयर जॉय ईच ग्रुप of people has its own special dance usually these dances are performed at a special place and at a special time.
अब हम इसको रीड आउट करते हैं. व्हेन एंड वेयर आर डांसेस परफॉर्म, कब और कहाँ डांसेस जो हैं वो किए जाते हैं. डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एज वेल एज अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग. वो कहते हैं डांस जो है वो एक किस्म का आर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये एक खुशी मनाने का तरीका भी है. देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ डांस. कहते हैं कि डांस की जो है, रक्स की जो है, वो बहुत सारी किस्में होती हैं. डांसेस आर परफॉर्म बिकॉज पीपल वॉन्ट टू शो देयर जॉय. वो कहते हैं डांसेस इसलिए किए जाते हैं लोग, क्योंकि लोग अपनी खुशी जो है वो जाहिर करवाना चाहते हैं. ईच ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ इट्स ओन स्पेशल डांस. के हर ग्रुप का, हर ग्रुप के जो लोग हैं उनका अपना एक स्पेशल किस्म का डांस होता है. यूजली दीज डांसेस आर परफॉर्म एट अ स्पेशल प्लेस. वो कहते हैं कि आमतौर पर ये जो डांस होते हैं वो किसी स्पेशल जगह पर, ख़ास जगह पर, एंड एट अ स्पेशल टाइम, और एक किसी ख़ास टाइम के ऊपर, किसी ख़ास ओकेजन पे किए जाते हैं. हमने पढ़ा था चाहे वो कटाई का टाइम हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल है या वेडिंग है, उनके ऊपर ये डांसेस किए जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी खुशी को बताना चाहते हैं, अपनी खुशी शो करवाना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. इसको आपने अच्छे से लर्न भी करना है, और अपनी कॉपी के ऊपर भी आपने प्रॉपर तरीके से डेट एंड डे मेंशन कर कर मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर कर आपने उतारना है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.